सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। यह वीडियो मैं यात्रा चर्चा के लिए बना रहा हूं। मैं इस समय मनाली में हूं और यदि आप भी मनाली आने के लिए सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस समय मनाली आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि रोड पर कार्य चल रहा है जिसके कारण बीच बीच में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और साथ में मनाली में भी इस समय बहुत भीड़ है। सीजन का समय चल रहा है और होटल भी महंगे मिल रहे हैं। साथ में यह भी बता दूं कि अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो हो सकता है आपसे ज़्यादा रुपए वसूल किए जाए, क्योंकि मैं अब तक 5 या 6 ड्राइवर से पूछ चुका हूँ कि रोहतांग पास जाने के लिए कितना चार्ज लगेगा, तो उन्होंने यह बताया है कि से कम 10,000 रुपये ही लगेंगे। उसके बाद हमने रोहतांग जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि हम पहले भी मढ़ी और रोहतांग जा चुके हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप मनाली आने की सोच रहे हैं तो अपना बजट ज़्यादा रखें ताकि आप मनाली में अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। वैसे यहाँ का मौसम के बारे में बता दूँ, मौसम नॉर्मल है, सिर्फ सुबह और शाम की ठंड है, बाकी बीच में तो मौसम नॉर्मल ही है। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे करके बता दें, मैं आपको वह जानकारी दे दूंगा। इस समय मैं हूँ वोल्वो बस स्टैंड पर जो कि मनाली बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है और अब हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद। यह है नेशनल हाईवे 3 और पास में बह रही है व्यास नदी। यह दिल्ली मनाली रूट है और सड़क का कार्य चल रहा है। अभी यह सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफा सवारियां चलती है, लेकिन इसको थोड़ा और चौड़ा किया जा रहा है और डबल रोड बनने वाला है। ये नया पुल बन रहा है। हिमाचल प्रदेश की वोल्वो बस में मिलता है पानी और यह पानी स्पेशल वोल्वो बस के लिए ही बना है क्योंकि इस पर हिमाचल रोडवेज का टैग लगा हुआ है। ये देखिए HRTC जल, यह निशुल्क है।
सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है।